मैं रोज़ रोज़ पानी डालना भूल जाती हूँ। एक्चुअली इंडोर रखी हूँ ना, तो भूल जाती हूँ। इंडोर प्लांट पर तो पानी कम डालती हूँ, इसी हिसाब से इसमें भी मैं कम डालती हूँ। संदीपन आके रोज़ बोलती है पानी डालो पानी डालो, फिर वही डाल देती है ना, डालना भूल जाती हूँ मैं। यहाँ पे ड्रेनेज करके रखी हूँ ना, एक्स्ट्रा पानी तो गिर जाती है, इसीलिए रोज़ ही डालना पड़ता है। सीढ़ियों पर भी आज डालूंगी थोड़ा पानी यहाँ पर। और देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जो सब पेड़ पौधा था ना, यहाँ से ये हटा के फिर यहाँ पे कर दिया। अच्छा लग रहा है ना, तो इसमें नहीं डालनी थी पानी, इसमें डालना पड़ेगा। ये जो कैंपर आता है ना पानी का, वो कैंपर का ये ढक्कन टाइप का ऊपर दिया रहता है, इसको कुछ करना है DIY, इसीलिए रखी हूँ, यहाँ पे ही रख दिया मैंने। इसको भी एक प्लांटर की तरह मैं यूज़ करूँगी, तो ये तोड़ के रखी हूँ। देखो इसमें भी मैं मनी प्लांट लगाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही हो। तो मेरा कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं था और मन नहीं कर रहा था, मतलब ब्लॉग करूँ, तो इसीलिए मैं कर नहीं पाई। तो आज मैं फिर आ गई हूँ। आज सुबह से ही उठ के ऐसा मूड नहीं था जे करूँ करूँ, फिर भी लग रहा है नहीं आज कर लेती हूँ थोड़ा। संदीपन आज बहुत जल्दी जल्दी ऑफिस निकल गया, 8:45 बजे शायद वो जल्दी जल्दी निकल गया ना, तो मेरा भी काम काज सब जल्दी जल्दी मैंने निपटा के फिर फ्रेश हो गई। बाहर एक प्लांट रखा हुआ है, मतलब इंडोर, उसको अभी कल कल नहीं 2-3 दिन से संदीपन बाहर रख दिया था, उसको अभी लेके आती हूँ, फिर शाम के टाइम कर दूंगी यहाँ पर। शायद दिख पा रही ये वाला पत्ते के कलर देखो कितना अच्छा, मतलब घर के अंदर रखा था उससे भी ज़्यादा बेटर हो गया इसका भी। ये जो रेड कलर का बॉर्डर है ना, ये बिल्कुल मतलब चला गया था, फिर भी इसको बाहर कुछ दिन रख देने से ये आ चुका है। हाँ ये तो नया लाई हूँ, इस ये ही अभी अंदर ले जाऊंगी मैं। बाहर भिंडी का पौधा देखी तो पूरा सूख चुका, कल पानी नहीं डाली थी, परसों थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था और उसके अगले दिन भी बारिश अच्छे से हुआ, इसलिए मैंने कल नहीं डाली थी, फिर अभी देख रही हूँ उसको डालना ही पड़ेगा। जैम के डब्बा, ये कॉफी के, ये सब ग्लास, मैंने ग्लास में ही है ना ये सब, तो मैंने बहुत दिन से इसको इकट्ठा किया,
तो इसको मैं स्पाइसेस कुछ भी मसाला वगैरह इसको रख सकती हूँ। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इसको थोड़ा मतलब सजा रही हूँ बोल सकते हो। जैसे काल रात ही एक करके रखी हूँ, जैसे देखो ऐसे कैप को मैं ब्लैक कलर कर दिया। और यहाँ से मैं अभी सफेद कलर से इसको मतलब जो चीज़ मैं इसमें रखूंगी ये यहाँ से लीक के रखूंगी, ऐसे टाइप का करूंगी और सब एक जैसा दिखने में भी सुंदर लगेगा, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। मतलब डायरी बॉक्स ये सब मतलब फैला हुआ रहता है, तो इस उसको रखने के लिए मैं ये दो कल बना के कल रात मैंने इसको मतलब मेक किया। हो गया, अभी सूखने के लिए मैं छोड़ दूंगी। अगर सूख जाए तो इसके ऊपर से और एक कोट देना पड़ेगा, यहाँ पे जो करी ना इसमें और एक कोट देना पड़ेगा। ज़्यादा डस्ट जम गया था, वो साफ करने के बाद मैं अभी हैंड वॉश भी कर लिया अच्छे से। और ये देखो यहाँ पे ही मैंने रखा। और अभी क्या बोले लंच का तैयारी मुझे करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं सुबह सुबह ही खाना बनाती हूँ ना, मतलब लंच संध्यवन को भी देती हूँ, मेरा भी रह जाता है। और इस टाइम ज़्यादा काम नहीं रहता है, लंच भी बनाना नहीं पड़ता है। आज सुबह क्या हुआ, कल रात एक पुलाव बनाई थी तो वो बच गया था, थोड़ा थोड़ा नहीं थोड़ा मतलब संदीपन का हो जाएगा ऐसा बच गया था, तो वो रख दिया था मैंने। और आज सुबह रोटी और एक भुर्जी बनाई थी तो वो ही संदीपन खा के गया। मैं पर्दा को हटाना पड़ेगा। शाम हो चुकी है, अभी दोपहर का लंच किया था, उसके बाद मैं आके सो गई थी और 5:30 बज चुका था जब उठी हूँ। और अभी बज रहे तुरंत, अभी उठ के फ्रेश हो गई मैं, अभी 6 बजे नहीं अभी 10 मिनट बाकी है, तो ये वाला भी खोल देती हूँ, लाइट आएगा नहीं तो। एक आटा पूरा यहाँ पूरा मतलब था, यहाँ से सजन का था और यहाँ का ये काटा। अभी ठीक से इसको धूप मिलेगा, आज इसको तोड़ लूंगी। देखो तो इसको किसने काटा, संदीपन परसों बोला था मेरे को अरे तोड़ लो, उसके पहले मना कर रहा था और उसके बाद मुझे भी याद नहीं था इसको तोड़ना है, आज तोड़ लिया।
कॉफी दे दी। रिलैक्स कर रही हूँ अभी कॉफी लेकर, बहुत ज्यादा गर्म, इतना गर्म नहीं पी सकती हूँ। नॉट बैड, अच्छा लग रहा है। कॉफ़ी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मैं छत पे आ गई। वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इस टाइम। मूड फ्रेश हो गया बिल्कुल कॉफ़ी के साथ, इतना अच्छा, क्या बोलते शाम। तब से मैं वॉक कर रही थी और अभी बिल्कुल अंधेरा अंधेरा जैसा हो चुका है। मैं संध्यवन का एक्चुअली वेट कर रही हूँ, आ जाए आ जाए, आज कहा था मतलब जल्दी जाएगा तो जल्दी आ भी पाएगा, पता नहीं। चलो नीचे चलते हैं, दिया बत्ती का टाइम हो गया। इसको अभी बाहर ही रख दूँगी, रोज़ इसको बाहर अंदर ही करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं डिनर क्या बनाऊँ सोच नहीं पा रही हूँ, इसीलिए संध्यवन का वेट कर रही हूँ, कब आए पूछ के फिर फ़ोन कर सकते हो, पता है अभी रास्ते पे ही होगा। पोस्तो नहीं बनाई, आलू पोस्तो, ये पोस्तो मीन खसखस, तो उसका एक पेस्ट बना के आलू के साथ एक मतलब सब्जी बनता है बंगाली डिश टोटली, तो यही अभी बना रही हूँ। और इसके साथ राइस, बॉइल्ड राइस। आलू पोस्ट तो ऑलमोस्ट डन, अभी इसको अच्छे से बॉईल करना है, बस ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने राइस भी चढ़ा दिया, 7:30 बजे अभी आया तो चलो आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड करूँगी और फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके। आज के लिए तो बाय, सब हैप्पी रहना, खुश रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना। ओके, बस खाना हो जाए तो खाना खा के फिर एडिटिंग करना है, बैठना होगा। तो ठीक है, चलो आज के लिए तो बाय।